नमस्कार मित्रों, मैं उमेश सिंह अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज बूस्टर उमेश सर में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे वाक्यों के बारे में जानने वाले हैं जिन्हें अंग्रेजी में साधारण ग्रामर के नियमों से उन्हें बना पाना थोड़ा सा अलग हटकर होता है। तो क्या आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इन वाक्यों को इंग्लिश में बोल सकते हैं? अगर नहीं तो आज इन सभी वाक्यों को और इनके अलावा भी कुछ रोचक वाक्यों को हम यहाँ सीखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अपने पहले सेंटेंस की ओर, सेंटेंस सीखने के लिए। तो आज का हमारा पहला वाक्य है, आजकल मेरी उससे बोलचाल बंद है। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इसे इंग्लिश में बोलेंगे, आई एम नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स विद हिम नाउडेज। अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस हमारा आज का है, जो कुछ मैं बनाता हूँ तुम उसे लीप पोत कर बर्बाद कर देते हो। इंग्लिश में इसे कैसे बोलेंगे देखते हैं। इंग्लिश में इसके लिए सेंटेंस है, Whatever I do is completely destroyed by you. Next sentence. आज का अगला वाक्य है हमारा, उसके दांत कटकटा रहे हैं। इसके लिए बेटा हम सेंटेंस कैसे बोलेंगे देखते हैं। His teeth are chattering. आज की वीडियो ऐसे ही अनेक रोचक वाक्यों से भरपूर है, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखकर आप ऐसे सभी वाक्यों को सीख सकते हैं। और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर उसको नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें, ताकि समय समय पर मेरे द्वारा अपलोड होने वाली वीडियो की सही जानकारी आपको समय पर उपलब्ध हो सके। चलिए अगले वाक्य की ओर चलते हैं। तो आज का हमारा अगला वाक्य है, उसे घर की याद सताती है। देखते हैं इसके लिए सेंटेंस, ही फील्स होम सिक। घर की याद सताने के लिए क्या बढ़े? होम सिक। चलिए अगले सेंटेंस की ओर चलते हैं। आज का हमारा अगला सेंटेंस है, मैं आपसे दो बातें करना चाहता हूँ, यानी कुछ देर आपसे बात करना चाहता हूँ। तो देखिए इसके लिए क्या सेंटेंस बनाएंगे हम। इसके लिए सेंटेंस है, आई वॉन्ट टू हैव अ वर्ड और टू विद यू। एंड इसको एक फ्लो में कैसे बोलेंगे, आई वॉन्ट टू हैव अ वर्ड और टू विद यू। चलते हैं अगले वाक्य की ओर। अगला वाक्य है हमारा आज का, मैं बाल बाल बचा, यानी कि किसी चीज से बिल्कुल निकट से ही सामना होकर रह गया, मैं उससे बच गया। तो उसको हम कैसे बनाएंगे? इसके लिए सेंटेंस है, आई हैड ए नैरो एस्केप टूडे। आई हैड ए नैरो एस्केप टूडे। चलते हैं अगले सेंटेंस की ओर। और आज का हमारा अगला वाक्य है, मीठी जुबान सफलता की कुंजी है। यानी अगर हम मीठी जुबान यानी कि मधुर वाणी का प्रयोग करें तो यह हमारे सफलता में सहायक होती है। चलिए सेंटेंस देख लेते हैं, एन ऑयली टंग इज अ की टू सक्सेस। नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं। आज का हमारा अगला वाक्य है, यह कच्ची रोटी है। यह जो कच्ची शब्द है, ये अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग प्रयोग होता है। देखते हैं यहाँ सेंटेंस में हम क्या प्रयोग करेंगे। आज के सेंटेंस को देखिए, दिस इज एन अनबेक्ड ब्रेड। क्योंकि रोटी जो होती है वो सही से जब नहीं पक पाती तब वो कच्ची होती है, और पकने को कहते हैं बेक, तो कच्ची के लिए क्या हो गया, अनबेक्ड। तो सेंटेंस बना, दिस इज एन अनबेक्ड ब्रेड। बहुत अच्छे। अब अगले सेंटेंस की ओर चलते हैं। आज का हमारा अगला वाक्य है, यह कच्ची इमारत है। अब देखिए यहाँ जो कच्ची शब्द है वो इमारत के लिए आया है। अब इमारत के लिए देखिए क्या वर्ड इस्तेमाल करेंगे, दिस इज एन मड बिल्ट बिल्डिंग, यानी यह मिट्टी की बनी हुई इमारत है। क्योंकि मिट्टी से जो बनती है उस इमारत को हम कच्ची इमारत कहते हैं, और जो सीमेंट से अन्य मटेरियल से बनती है उसे हम पक्की इमारत कहते हैं। तो कच्चे मकानों को, मिट्टी के मकानों को हम कच्ची इमारत कहते हैं, इसलिए यहाँ वर्ड आया है कच्चे के लिए, मड बिल्ट। अगले सेंटेंस की ओर चलते हैं। आज का हमारा अगला सेंटेंस है,
अध्यापक ने उसे मुर्गा बनाया। अक्सर ये बच्चे सेंटेंस पूछा करते हैं, लोग एक दूसरे से ये वाक्य पूछकर उनके ज्ञान को परखने का प्रयास करते हैं। तो मैं आज आपको बता दूं कि यह जो सेंटेंस है भाव के अनुसार बनाया जाएगा। देखिए, जब कोई किसी को मुर्गा बनाता है तो वो उसको मुर्गे के रूप में कन्वर्ट नहीं कर देता, उसको उसमें चेंज नहीं कर देता, बल्कि वो क्या करता है, उसको मुर्गे की फॉर्म, मुर्गे की अवस्था, मुर्गे की स्थिति में लाकर पनिशमेंट देना चाहता है। तो उसी सेंस को लेकर हम इस वाक्य को बनाएंगे। यह वाक्य क्या बनेगा देखते हैं। द टीचर पनिश्ड हिम एज ए पोस्चर ऑफ ए कॉक, यानी टीचर ने उसे मुर्गे की अवस्था में दंडित किया, यानी टीचर ने उसको मुर्गे की अवस्था में बैठाया और उसको दंडित किया। आज के इन वाक्यों से मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको यहाँ मेरे द्वारा बताए गए वाक्यों से कुछ सीखने को मिला है, मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि आप कृपया मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। लेकिन वाक्य को अपने विराम देते हुए मैं ये अंतिम रूप से इन यहाँ पर कुछ पंक्तियों से अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ कि मेरी बात अगर चुभी हो तो उसे फूल समझ लेना, मेरी भूल को अपनी भूल समझ लेना, फिर कभी होगा मेरा और आपका आमना सामना। तब तक के लिए आप सभी को सपरिवार हार्दिक शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया एंड थैंक यू वेरी मच।